आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जा देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियाँ खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जा, जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गूटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लड़कते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पेहू पार्टी का पिहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे पे दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसूनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं पर हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू दो में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था वो मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा हिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पिहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती ले है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झलझा झल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ाव होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के ज़रिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे पे दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसूनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा ही यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जरूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का 3 करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि यह मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा हिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुंडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ाव होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे पूरी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसूनीय अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जरूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पर आप इसे जियो सिनेमा पर जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर पच्चे लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट माहिरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत धेरे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात के, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है शोबैगे से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भाव सोनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलतिया का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की ज़रूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पर जाकर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह आप उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छ की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूजर है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट पच्चे लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जा, जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावशून्य अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार तो नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झलझा झल जाती हैं वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुंडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ाव होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसूनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पर जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरी जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े इसके बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भाव सोनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलतिया का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की ज़रूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सहित घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पर जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह आप उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छः की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जा, जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लड़कते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झलझा झल जाती हैं वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ाव होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसूनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर पच्चे लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि यह मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा हिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे पर नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की ज़रूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पर जाकर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह आप उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छ की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियां जल जा, जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लड़कते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर तो आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट बच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले, ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की को कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झलझा झल जाती हैं वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी, उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियाँ जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौर वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलतिया का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जगह में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्तेमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छः की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे इस लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियां जल, जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गूटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू दो में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले, ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की को कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झलझा झल जाती हैं वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के ज़रिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे पे दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियाँ जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे पर नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भाव सोनी अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जरूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर ये मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह आप उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस मई से छः की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट पच्च लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि, कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियां जल, जा, जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसूनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी किसी में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू दो में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट पच्चे लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले, ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की को कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है शोबैगे से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फ़ोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के ज़रिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसूनी अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की ज़रूरत में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा हिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियाँ जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सोबैसे एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर कर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे एहसास होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलत का एहसास होता है पर तब तो तक तो बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वह गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी किसी में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पर आप इसे जियो सिनेमा पर जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आ पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहेगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूजर है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा रिशिता भट्ट माहिरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसके दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पेहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियाँ झल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गुडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को ख़तरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ाव होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे भी नींद आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनी अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलत का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र 50 लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पर आप इसे जियो सिनेमा पर जाके देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो 2014 में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा हिशिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेरणा शर्मा नहीं जाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े के बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियाँ खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत रहे होते हैं उसने बेडरूम के शीशे पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पेहू की उंगलियाँ जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियां जल जाल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वह अपनी गिरी हुई गुंडियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लटकते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पेहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फ़ोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जैसे उसे भी दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हो देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौरव वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और जला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पिहू खाट के नीचे है भावसूनीय अवस्था में टुकड़ों के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलाप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उससे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहिए कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस्तेमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार जरूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सत्य घटना पर निर्भर है ये मूवी दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि आप इसे बिना बोर हुए देख पाएंगे साथ ही साथ इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया मूवी है एक छोटी सी जो बात है वो किस हद तक जा सकती है और किसी की जान ले सकती है यह आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है और आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में इस मूवी का नाम है पीहू 2017 में इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था और यह मूवी वैसे हिट रही थी क्योंकि मूवी का जो बजट था मात्र पचास लाख का ही था और कलेक्शन इस मूवी का तीन करोड़ का रहा था अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी फ्री में तो यह मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पे आप इसे जियो सिनेमा पे जा देख पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है बाकी जगह पर उपलब्ध है पर वहाँ पर आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है तभी आप उसे देख पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जियो सिनेमा पे जाकर देखेंगे आगे मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊँगा अगर आपको पसंद आए पसंद आए तो आप डिसाइड कर लेना डिसाइड करना मूवी को देखना है या नहीं वैसे मूवी काफ़ी छोटी है तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा मात्र डेढ़ घंटे की मूवी है मूवी के अंदर आपको ड्रामा दिखाया गया है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी फील कराएगी जो आई है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी लगभग पचहत्तर परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है कहा जा रहा है कि ये मूवी सत्य घटना पर बनाई गई है और ये जो इंसिडेंट था वो दो में घटा था दिल्ली में और इसी पर इसे बनाया गया है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा चलिए इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं तो इस मूवी के अंदर आपको पीहू मारिया विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे इसके अलावा प्रेरणा विश्वकर्मा राहुल बग्घा प्रेरणा शर्मा ऋषिता भट्ट मायरा ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है चलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका मूवी देखने का जो मजा है वो बना रहे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज आर एस वी पी मूवीज़ थे जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारी फिल्में वो प्रोड्यूस कर चुके हैं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म पीहू यानी कि मायरा विश्वकर्मा की दूसरे जन्मदिन के अगले दिन से शुरू होती है वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा प्रेणा शर्मा नहीं भाग रही है उनके पिता गौरव केवल राहुल बग्गा आवाज़ एक सम्मेलन के लिए कोलकाता रवाना हो गए हैं उसे भूख लगती है और वे अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठती है तब पता चलता है कि पूजा ने गौरव के साथ झगड़े इसके बाद नींद की अधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली होती है और उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान भी है घरेलू हिंसा का संकेत दे रहे होते हैं उसने बेडरूम के हिस्से पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि पीहू को भी मार डाला होता लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी पूजा इस बात से नाराज थी कि, कि गौरव पीहू के बर्थडे पार्टी पर देर से क्यों आया इसके अलावा उसे उस पर उसकी दोस्त मीरा के साथ संबंध होने का संदेह था गौरव ने लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला पीहू फ़ोन उठाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और पूजा से बात करने के लिए, के लिए कहते हैं गौरव कहता है कि उसने गलती से आयरन चालू छोड़ दिया था और उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पीहू इसे छू सकती है और कुछ देर बाद ही पीहू की उंगलियां जल जाती है वे खुले तारों से लगभग खुद को करंट की चपेट में ले लेती है और वे अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है और माइक्रोवेव और स्टोव पर रोटियां जल, जल जाती है वे गीज़र चालू करती है और कुछ घंटों बाद फट जाता है जिससे बड़ा धमाका होता है जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर किराएदार चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी गिरी हुई गूटियों को निकालने की कोशिश में बालकनी की रेलिंग पर लटक जाती है सौभाग्य से एक महिला पीहू को खतरनाक तरीके से लड़कते हुए देखती है और उसे नीचे उतरने के लिए मनाती है बिजली में भी कहीं बार उतार चढ़ा होता है नल का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य द्वार से बाहर आता है पड़ोसी पानी देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मालिक छुट्टी पर है पूरी फिल्म के दौरान आपको गौरव कोलकाता से कहीं बार फोन कराया गया है यहाँ तक कि पीहू के जरिए पूजा से लड़ाई के फोन में भी माफ़ी मांगने की कोशिश की है उसे ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ है जब पीहू उसे बताती है कि पूजा पूरे दिन सो रही है और तुरंत कोलकाता से घर लेकर निकल पड़ता है पीहू पार्टी का पीहू पार्टी का बच्चा हुआ खाना और पास में पड़ी हुई माँ की कुछ नींद की गोलियाँ खा लेती है जिससे उसे पे दिन आ जाती है रात के वक्त तो दिखाया है कि घर के अंदर धुआं निकल निकलता हुआ देखते हैं पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश करते हैं गौर वापस लौटता है और देखता है कि पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो चुका है और चला हुआ है उसकी पत्नी मर चुकी है और पीहू खाट के नीचे है भावसोनीय अवस्था में टुकड़े के साथ खेल रही है फिल्म का अंत गौरव द्वारा पीड़ा और अपराध बोध के फिलअप करते हुए होता है और वहीं पर उसे ऐसा होता है कि उसने जो कदम उठाया था वो तो सच में गलत था उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कहीं बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा या फिर उसे दुख नहीं होगा पर वो गलती एक बहुत ही बड़ी जो है सजा हो सकती है किसी और के लिए इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं वो इस तरह से हमें बोलना चाहे कि किसी को इतना दुख ना हो या फिर कोई इतना ज़्यादा जो है मेरी बात को सीरियस ना ले ले ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है और पति पत्नी की जोड़ में ऐसा अक्सर होता है ये मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पे जाकर देख सकते हैं क्योंकि जियो सिनेमा पर यह मूवी उपलब्ध है और काफ़ी बढ़िया मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर आप देखिए फैमिली के साथ भी इसे देखा जा सकता है